तो जो फ्रेंड्स चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन करना, बीएससी या फिर बीए, बीएससी या फिर कोई भी कोर्स चाहते हैं करें, जो जो कोर्स अवेलेबल है पटना विश्वविद्यालय में डीडी अर्थात दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन करना, उसके लिए एक अच्छा सा न्यूज़ यहाँ पर ये है, सुन लीजिए। अगर आप लोग को एडमिशन लेनी है तो बहुत सारी सीट यहाँ पर खाली, लगभग 4400 लगभग सीट खाली है और उसमें डेट भी बढ़ाई गई है। तो आइए मैं बताता हूँ डिटेल्स, अगर आप चाहते हो रियल में सच में चाहते हो पटना यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है डीडीई से, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो आप लोग ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर ये चक्कर है कि पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय अर्थात दोस्तों बोलते हैं डीडीए मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में 4400 से अधिक सीटें खाली है। वैसे परीक्षार्थी जो नियमित कॉलेज में बीए और बीकॉम में दाखिला से वंचित रह गए हैं, इनके पास दाखिला का बेहतर मौका है। बीए में 2670 सीटें हैं और जबकि दाखिला सिर्फ 903 का ही हुआ है, वहीं बीकॉम में 2100 सीटें हैं जबकि दाखिला लगभग आपको 386 व्यक्ति का ही हुआ है। और इंटर में वनली 45% अंक प्राप्त करने वाले छात्र या छात्राएं दाखिला करा सकते हैं। दाखिले के लिए सिर्फ 3 दिन ही अब शेष रह गया है। वैसे छात्र जो 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनका दाखिला हो जाएगा। दाखिले के लिए फीस 9 सितंबर तक जमा कर की जा सकती है। इसके अलावा बीसीए कोर्स में, ठीक है, बीसीए कोर्स में 30 सीटें भी खाली है जिनमें 24 छात्रों ने दाखिला ले लिया है और बिलीस में 150 सीटें हैं जबकि 86 का ही दाखिला हुआ है अभी तक। वहीं पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में 100 सीटें में 24 का ही दाखिला हुआ है। वहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 100 में 26 सीट का ही दाखिला हुआ है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में 100 में सिर्फ 3 छात्र ने दाखिला लिया है। वहीं आपको एमकॉम में 100 सीटों में 18 छात्र ने दाखिला लिया है और उप निदेशक ने बताया कि दाखिले की तिथि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, मतलब नहीं बढ़ेगी, तो बस 3 तक डेट है। अब देखो करना क्या है, मैं बताता हूँ, चलो बताना। एक्चुअली मैं जो है सर आप लोग 3 तक डेट मत समझो, आप लोग 9 तक डेट समझो। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर जो 3 तक जो डेट दिया हुआ है वो इसका डेट नहीं है, वो जो डेट है सो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक दे दिया हूँ लिंक, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे पटना यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जिसका वेबसाइट का नाम है आपको एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जब जाओगे तो आप जाओगे यहाँ पर कैरियर न्यूज में, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करो कैरियर न्यूज में, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपको जो है मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी पहले से, एक मिनट देख जाइए यहाँ, देखिए एक मिनट दोस्तों, ये देखिए इस वाले लिंक में कि पटना यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन 2019 में इन हिंदी, पटना यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कब कैसे होगा मैंने बता रखा है। आपको इस पोस्ट को क्लिक करनी है और पोस्ट को क्लिक करके आपको जान जानी है कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं यहाँ से, आप कैसे मतलब एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिंक भी दे दिया हूँ यूट्यूब वीडियो का, आप ये देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, पहुँचने के बाद ये डायरेक्ट आपको यहाँ पहुँचा देगा डायरेक्टरी ऑफ डिस्टेंस, वो कहीं से लिंक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो है सो आपको 31 तक डेट है मतलब करने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहले कर लेनी है फुल प्रोसेस के द्वारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एडमिशन जो है सो 9 सितंबर के अंदर में आपको ले लेनी है, मतलब आपको मामले से डेट पहले करवा ले रजिस्ट्रेशन और जाकर एडमिशन लेनी पड़ेगी। उस फॉर्म प्रिंट आउट का एडमिशन फॉर्म भरने के बाद, इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट आउट कर जाते हैं, 9 सितंबर तक जो आपको डेट दी गई है, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे भरे आखिर, ये जब ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको कैसे भरे, तो मैंने इसके इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सो यहाँ अगर आप मेरे वेबसाइट पर आओगे तो मेरे वेबसाइट पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, एक मिनट देख लीजिए, तो आप जाकर लिंक से भी यहाँ मतलब कि देख सकते हो, जो नीचे आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया हूँ, नहीं तो जाकर जो है सो आप यहाँ देखिए कैसे अप्लाई करें, मैंने यहाँ पर ये वाली बता रखी, ये वाली वीडियो, ठीक है, इसमें भी आप जाकर मेरे वेबसाइट से दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है कंडीशन देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बीए के लिए आपको क्या होना चाहिए, 10+2 में कितना परसेंट नंबर आना चाहिए, बीकॉम के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लीस एमनी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो सब डिटेल्स आप लोग पढ़ लेना। बस आज की दोस्तों न्यूज़ यही थी और जाके आप चेकआउट कर लेना नीचे से। और अगर आप चाहते हो व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, कैसे कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी से और टॉप 5 डिस्टेंस एजुकेशन इन बिहार, अगर चाहते हो वो भी देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी,
ठीक है, मैं आपको दे दिया हूँ लिंक, जाके वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप वेबसाइट पर आओगे तो वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारा यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो का लिंक, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हो। तो कौन कौन से है सब आप देख लो दोस्तों। तो लेता हूँ वीडियो साथ में, ऐसे अपडेट पाने के लिए बस आपको एक काम करनी है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर समय अपडेट मिलती रहे, कोई भी पार्टिकुलर मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी की न्यूज आती है मैं आपको सबसे पहले देते रहूँगा। तो गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।